तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप आप अमेजोन के लिए सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। अमेजोन पे जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमें बेचना होता है या फिर कोई भी हमारी सर्विसेज होती है जिसे हम बेचना चाहते हैं अमेजोन पे, तो उसके लिए हमें अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और उस पर सेलर अमेजोन लिखना है। अब सेलर अमेजोन डॉट इन, ये जो साइट है ये सिर्फ इंडिया में चलने वाली है और जो कि एक स्पॉन्सर्ड भी है, अमेजोन ने खुद ने इसकी एड चलाई हुई है। और उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो सेलर सेंटर अमेजोन डॉट इन, आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी होगी और कुछ थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉल आते रहेंगे और उसके बाद आपको वो सारी एक्टिविटी जो भी करनी है वो इसके कस्टमर केयर वो खुद बताते रहेगा, और साथ ही साथ आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इतनी आसानी से। और मैंने अभी एक सेलर अकाउंट बनाया है अपने लिए, जो कि अभी कल परसों ही उसकी केवाईसी हुई है और वो अभी तक कंप्लीट भी हो गया है। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद हम उस पर प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद हमें कोई ज़्यादा हैडक नहीं होती, अमेजोन खुद उसकी एड वगैरह चलाती और खुद लोगों को रिकमेंड करती है कि यह प्रोडक्ट लो। उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, उसके चार्जेस सिर्फ पहले जो महीना उसमें $1 कटेगा, पहले 3 महीने में सॉरी। और उसके बाद वो जो 3 महीने आने वाले हैं उनमें फिर $99 उनका प्लान होता है, कई ऑप्शन का होता है कि आप ये प्लान लो और उसके बाद फिर वो आपका सेल करवाते रहते हैं। या फिर हमें लगे कि हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं अमेजोन से, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम पहले 3 महीना उसे यूज़ करके, जो कि $1.82-83 कटेगा इंडियन रुपीज़ में, $1 के हिसाब से। और अगर हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं बिकता है तो हम सिंपली उस अकाउंट को डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ, तो हम उसे बहुत ही आसानी से डिलीट करवा सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करके। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रिएट कैसे करना है। ये amazon.com, ये यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये जो tier 1 कंट्रीज है ये इनके लिए है .com जो साइट है, लेकिन जो .in है ये इंडिया के लिए है सिर्फ। इंडिया के लिए अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, हम इस पर करते हैं क्लिक। सेलर रेफरल फ्रेंड अर्न मिनिमम रिवार्ड ₹2000। मतलब आप किसी को रिकमेंड करोगे या फिर आप किसी दूसरे की एक सेलर अकाउंट बनवाओगे तो उसमें आपको रिवार्ड के तौर पे ये अमेजोन ₹2000 देता है। ये इसका इनवाइटिंग अर्न करने का ये जो भी ऑप्शन है इनका, एक अफिलिएट मार्केटिंग की तरह, लेकिन ये रिवार्ड देगा ये, ना कि आपको पैसे देगा। रिवार्ड से आप कुछ भी खरीद सकते हो इससे, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है इसका। अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट सेलिंग। और यहाँ पे अपना नाम मोबाइल नंबर डाल के हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है अपनी, जिस भी आप ईमेल से बनाना चाहते हो। मैं इस ईमेल से एक अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि .in में है, लेकिन .com में है जो वो भी इसी ईमेल से है, लेकिन अलग अलग ये बनाए जा सकते हैं क्योंकि हम इंडिया में भी सेल करने चाहते हैं और बाहर कंट्री में भी, इसके लिए चार्जेस होते हैं। और फिर आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ये इनके चार्जेस होते हैं और फिर कैसे ये डिलीवरी वगैरह करते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सिंपली साइन इन नहीं करेंगे, साइन ना करके क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट इसमें नहीं है पहले से। अब यहाँ पे
पे डाल देते हैं फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड एक जनरेट कर लेते हैं रैंडमली जो भी। इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैं आगे जाके चेंज कर दूंगा इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी यू हैव अकाउंट, चलो अकाउंट है तो इस पे अकाउंट पहले इसलिए इसने ओटीपी से अभी मुझे लॉग इन कर लेते हैं। आप वहां से सिंपली एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद आप यहां से क्रिएट कर सकते हो अकाउंट। आपको यहां पे अपने स्टोर नाम डालना होगा, जो भी आपका स्टोर नाम है आप कुछ भी बना सकते हो, या तो अपना नाम बना सकते हो या फिर गूगल मैप पे आपके जो भी है वो आप यहाँ से बना के और इसे कंटिन्यू करते हैं। ये पूछ रहा है कि आप पैकिंग जो होती है वो अमेजोन से कराना चाहते हो या तुम्हारी खुद की होगी, तो इसे कंटिन्यू इसे टिक मार करेंगे। अभी तो मैं इसे भर देता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कुछ। एक मिनट, एक्चुअली मैं अकाउंट मेरा पहले ही बना हुआ था इसलिए यह मुझे डाल नहीं दे रहा था स्टोर नेम। और हम अपने जीएसटी हरियाणा ये अपनी डिटेल डाल लेते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डाल लीजिए। कहाँ से आपके पास जीएसटी नंबर है और पैन कार्ड पैन नंबर है तो ये डाल लेंगे। जीएसटी नंबर, ये भी जीएसटी नंबर सेकंड बार डालना होगा जिससे आपकी जीएसटी जो क्रिएट हुई है वो यहाँ पे डलता है। मैं इस डिटेल को भर लेता हूँ, मैं अभी आप इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करता हूँ एक जल्दी जल्दी से, एक मिनट। और यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आपको फिर कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इन वीडियो में बताया गया है कैसे प्रोडक्ट ऐड किया जाता है और इससे आगे का प्रोसेस जो भी है इस वीडियो में आप इनको देख सकते हो और उसके बाद इस काम को पूरा किया जा सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।